चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का खाका तैयार कर लिया है। नवंबर दिसंबर में पांच राज्यों में चुनाव संभव है। सूत्रों के अनुसार जानकारी 10 से 15 दिसंबर के बीच मतगणना संभव है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान संभव है। मध्य प्रदेश राजस्थान में एक चरण में मतदान संभव है और तेलंगाना में भी एक चरण में चुनाव हो सकता है। तो दिल की धड़कनें उन लोगों की बढ़ गई होगी जो कि चुनावों में कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन खासतौर पर जब सरकार बनाने की बात आती है, वो पांच राज्य जहां इस बार चुनाव है, सभी बड़े दल हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों का खाका तैयार कर लिया है और अब जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में पांच राज्यों में चुनाव संभव है। नवंबर से दिसंबर में पांच राज्य हैं देश के जहां 10 से 15 दिसंबर के बीच मतगणना भी हो जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी चुनाव आयोग की ओर से सामने आई है, क्योंकि अब इसमें आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। चुनावों की तारीखों का आधिकारिक ऐलान जब होगा तब सरगर्मियां बढ़ जाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान संभव है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक चरण में मतदान संभव है और तेलंगाना में भी एक चरण में चुनाव हो सकता है। सूत्रों के हिसाब से बड़ी जानकारी, क्योंकि बैठकों पर बैठकें जारी है और बैठकें जब हो रही है, हम जब बात बैठकों की कर रहे हैं तो बैठकों के बाद अब सभी की निगाहें हैं उस औपचारिक ऐलान पर। तो भारत निर्वाचन आयोग से भी जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने आज बुलाई है पर्यवेक्षकों की बैठक। सुबह भी जानकारी आपको दी थी कि बैठक जो पर्यवेक्षकों की बुलाई गई है, तो पर्यवेक्षकों को बेसिकली इसमें ब्रीफ किया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों को लेकर पर्यवेक्षकों को ब्रीफ किया जाएगा। राजस्थान से एक दर्जन से ज्यादा आईएएस और 5 IPS का इस बैठक में शामिल होना प्रस्तावित है। पहले थी लोगों को आज या कल चुनाव तारीख की घोषणा की उम्मीद, लेकिन अब संभवतः 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है। और ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि सभी नजर उस पर टिकाए बैठे हैं, सभी टकटकी लगाए बैठे हैं कि चुनाव कब होगा। और फिर जब आचार संहिता चुकी अब लगने वाली है, उसके बाद में राजनीतिक दलों की दिल की धड़कनें और बढ़ जाएंगी, जो कि पांच राज्यों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ये खबर है क्योंकि बैठकें लगातार जारी है, आज भी पर्यवेक्षकों की बैठक है और जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी है, इन पांच राज्यों में नवंबर दिसंबर के बीच में चुनाव संभव है। ये सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ रही है जो बैठक हुई, और उसके अलावा 10 से 15 दिसंबर तक मतगणना हो जाएगी, यानी कि एक बड़ी बात यह है कि मतगणना हो जाएगी, सरकार मिल जाएगी इन पांच राज्यों को, अपनी नई सरकार जिसका इंतजार। और अब राजनीतिक दल और ज्यादा दमखम के साथ में कोशिश करते नजर आएंगे, क्योंकि आप इन्हें चुनावों का काउंटडाउन अब कह सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग से ये बड़ी खबर है, खाका तैयार हो चुका है चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनावों का। पर्यवेक्षकों की बैठक आज बुला ली गई है, बैठक में पर्यवेक्षकों को ब्रीफ किया जाएगा। राजस्थान से भी आईएएस अफसर और जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें इस बैठक में शामिल होना है। एक दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसर राजस्थान से हैं और 5 IPS का इस बैठक में शामिल होना प्रस्तावित है। पहले जानकारी थी कि आज या कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सूत्रों के हिसाब से सामने आ रही है कि 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों की घोषणा संभव है और पांच राज्यों के चुनावों को लेकर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।